हेलो गाइस, मैं हूँ प्रियंका यादव। रीजनिंग एंड कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी वीडियो रहेगी अर्थमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड। आप सबको पता है आजकल जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके अंदर क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जा रहे हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड। जैसे खासकर अभी जो हरियाणा SSC के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके अंदर एक दो क्वेश्चन आपके अर्थमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंदर भी, जैसे बोला जाएगा कि टोटल जानवरों का जो सर है वो टोटल हेड इतने हैं, टोटल पैर इतने हैं, तो बताइए चार पैरों वाले जानवर कितने हैं, दो पैरों वाले जानवर कितने हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड रहेगा कि आपको ये क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं। जैसे एक तो आप मैथमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपका दिया जाएगा कि टोटल मुर्गी और गाय दे दिया। मैं एक बेसिक कॉमन एग्जांपल लेकर चलती हूँ, मुर्गी और गाय दे दिया। तो अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई मान सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई मानकर आप करेंगे तो आपकी दो इक्वेशन बनेगी और उन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, मतलब आपका टाइम काफ़ी लग जाएगा। इसलिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। आपको कैसे सॉल्व करने हैं, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं डायरेक्टली, अगर आपका दो और चार पैरों का कॉम्बिनेशन है तो डायरेक्टली मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो एक सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि में दो और चार पैरों का ही कॉम्बिनेशन आए, लेकिन अब तक जो आए हैं वो दो और चार पैरों के ही आए हैं। लेकिन हो सकता है तीन और चार पैरों का आ जाए, चार और छह पैरों का आ जाए, कॉम्बिनेशन तो कोई भी हो सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, तो एक एलिगेशन मेथड होता है, उससे भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रिक और एलिगेशन मेथड का। ठीक है, कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर दिया है कि राजेश के पास कुछ गायें एवं मुर्गियां है। ठीक है, कुछ गायें हैं और मुर्गियां है। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है तो उसके पास कितनी मुर्गियां है। आपको ये बताना है कि मुर्गियां कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगी कि आप कैसे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन चार पैरों वाले की संख्या पूछा है, कोई भी जानवर हो सकता है, ठीक है, चार पैरों वालों की संख्या यदि पूछा जाए तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, L/2 - H। ये इसके अंदर L क्या है, आपका लेग है फ्रेंड्स, और H क्या है, आपका हेड है। ठीक है, तो लेग कितने हैं, चार पैरों वालों का सॉल्व करने का है ये फॉर्मूला आपका। तो लेग कितने हैं, देखिए टोटल लेग कितने दिए हैं, 140 दिए हैं, तो 140/2 - हेड कितने दिए हैं आपके, 48 दिए हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 - 48 तो 22। लेकिन ये क्या आया, चार पैरों वाला। अब चार पैरों वाला क्या था आपके पास, गाय थी, गाय के चार पैर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, मुर्गियाँ कितनी है, दो पैरों वालों का आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तो आपका ये तरीका है कि यदि आप एक ही फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो चार पैरों का आ गया, टोटल कितने हैं, 48। यदि 48 में से 22 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दो पैर वाले आ जाएंगे, मतलब मुर्गियाँ आ जाएगी, कि टोटल मुर्गियाँ कितनी है, 26 है। या फिर डायरेक्टली अगर दो पैरों वालों का पूछा जाए तो भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दो पैरों वालों के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला रहेगा आपका 2H - L/2। ठीक है, एच आपका हेड है, एल आपका लेग है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर हेड कितने थे, टोटल 48 हेड दिए थे, तो 2 × 48 - लेग कितने दिए हैं फ्रेंड्स, इसमें 140 लेग दिए थे, तो 140/2 तो कितना हो जाएगा, 96 - 70 तो 26 क्या हो जाएंगे आपके,
मुर्गियाँ हो जाएगी, यही आपने इस तरीके से सॉल्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, यदि ये आपको याद रहा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड तरीका मैं किसकी बात कर रही थी, एलिगेशन मेथड की मैं बात कर रही थी कि आपको अगर एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए और एलिगेशन मेथड आपको यूज़ करना है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम उसकी बात करते हैं। टोटल हेड कितने दिए हैं, 48 हेड का मतलब क्या होगा कि जो टोटल गाय और मुर्गियाँ टोटल मिलाकर कितने हैं, 48 है। इन टोटल जो संख्या है वो 48 रहेगी इनके। ठीक है, फिर पैरों की संख्या क्या बताई है, लेग कितने बताए हैं इनने, 140 बताए हैं। तो एलिगेशन मेथड कैसे आप यूज करेंगे, जैसे आपके गाय हो गई और क्या दिया है, मुर्गियाँ दिया है, यही दिया है। गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। हम पैरों से स्टार्ट करेंगे एलिगेशन मेथड में, ध्यान रखना। तो टोटल जितने हेड है, जो इनकी टोटल संख्या है, गाय का क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो कीजिए 4 8 32, 4 4 16 और 3 19 हो गया। ऐसे ही मुर्गी के कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 48 का 2 से 96। यहाँ एलिगेशन किसके ऊपर लगेगा कि जो टोटल पैर है, कितने पैर दिए हैं क्वेश्चन में, 140 पैर दिए हैं, कीजिए सॉल्व। 140 माइनस 96 कितना होगा, 44। और 192 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब इनको आपको ऐड करके देखना है, इनका एडिशन टोटल आना चाहिए 48, लेकिन आपने क्या देखा, ये तो ज़्यादा जा रहा है 48 से, तो आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। आपने कट किया 2 से तो कितना आ गया, 22 प्लस 26 अगर ऐड किया जाए तो कितना हो गया, 48। मतलब टोटल आपके 48 थे आ गए। इसका मतलब क्या होगा कि 22 तो क्या थी, गाय थी, और 26 क्या थे, मुर्गी थे। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तरीका काफ़ी इजी है, चाहे आप ये यूज़ करें चाहे वो आप वो यूज़ करें, लेकिन जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे वो ओनली 2 और 4 पैर के कॉम्बिनेशन वालों के लिए है फॉर्मूला। यदि क्वेश्चन आपका 3 या 4 पैर से रिलेटेड आ जाए तो आप वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको एलिगेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा या मैथमेटिकली आपको एक्स और वाई मानना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं। जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियाँ है। ठीक है, एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां है, यदि कुल सिर 90 है, मुर्गे दिए हैं, बकरी दी है, और क्या दिया है, कुल सिर 90 है, हेड कितने दिए हैं, 90 हेड दिए हैं, आगे है और लेग पैर कितने दिए हैं, 224, तो बकरियाँ कितनी है। तो एक तो मैंने डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताया था, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बकरी कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो क्या बताया था मैंने, लेग बाई 2 माइनस हेड, ये बताया था। लेग कितने हैं, 224 बाय 2 माइनस हेड कितने हैं, 90। सॉल्व कीजिए, 112 माइनस 90 कितना बचा, 22। इसका मतलब बकरियाँ कितनी होगी, 22 होगी, 22 बकरियाँ होगी। यदि इसी क्वेश्चन को आप एलिगेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, क्या बताया था, जो टोटल आपका दिया है, टोटल क्या दिया है आपका, 90 हेड दिए है, 90 हेड का मतलब है टोटल इनकी संख्या कितनी होगी, 90 होगी। फिर मुर्गे दिए हैं, मुर्गे के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। टोटल को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 × 2 180, 90 × 4 360। टोटल पैर कितने दिए थे, 224, वो आप एलिगेशन के अंदर यूज़ करेंगे, तो माइनस कीजिए 360 माइनस 224 कितना हो जाएगा आपका, 136। ऐसे ही 224 में 180 आप माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 44। ठीक है, अब आप टोटल ऐड करके देखेंगे, टोटल एडिशन कितना आना चाहिए, 90, क्योंकि टोटल हेड कितने बताए थे, 90 बताए थे, तो टोटल एडिशन इनका 90 आना चाहिए, लेकिन आपने देखा है 136 तो 90 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, कट करेंगे। आप कट किया जाए, 2 6 2 8 और 2 2 4। अब आपने एडिशन करके देखा, टोटल कितना आ गया, 90 आ गया। इसका मतलब है कि 22 तो क्या थी, बकरी थी।
ठीक है। 68 क्या थे? मुर्गे थे। यदि मुर्गे पूछे जाते तो आपका आंसर क्या होता कि टोटल मुर्गे 68 है। अगर बकरी पूछी जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 22 है। ये आपका एलिगेशन मेथड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आपको अच्छा लगे वो आपको अप्लाई करना है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सब मैं आपका इसके अंदर डालूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू।